जो मेहनत करता है वो किसी का मोहताज नहीं होता, यूं किसी के सर पर जीत का ताज नहीं होता। ये कहावत जब सच साबित होती है, खरसाना की अनिल माहेश्वरी ने एक लैब टेक्नीशियन बना प्रशासनिक अधिकारी। इस उपलब्धि से न सिर्फ खरसाना के लोग बल्कि पूरी युवा पीढ़ी प्रेरणा ले सकती है। अनिल माहेश्वरी के आरएएस बनने पर खरसाना संवाददाता रमेश मेघवाल ने उनसे खास मुलाकात की। नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 में बड़ी खुशी की बात है कि खरसाना से दो आरएएस का जो है सिलेक्शन हुआ है, उनमें से हमारे साथ मौजूद है अनिल माहेश्वरी। आज हम इनसे साक्षात्कार करने के लिए आए हैं कि किस प्रकार से खुशी का माहौल है खरसाना के अंदर, जो नाम रोशन किया है इन्होंने माहेश्वरी परिवार से। आरएएस भर्ती परीक्षा में 46वां रैंक जो है इन्होंने पूरे राजस्थान से हासिल किया है। जानेंगे किस प्रकार का जो है वो खुशी का इजहार है। सबसे पहले अनिल जी, स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद रमेश जी, और आप इस सफलता के लिए हमारा इंटरव्यू लेने आए तो ये बड़ा सौभाग्य है और आपका आभार मैं व्यक्त करता हूँ। अनिल जी, सबसे पहले तो खरसाना के लिए बड़ी ही एक खुशी का आज जो माहौल है कि यहाँ से आप जैसे युवा आरएएस यहाँ से निकले हैं, तो ये फख्र की बात है पूरे राजस्थान के लिए। 46वीं जो रैंक है, एक बड़ी रैंक जो आपने हासिल की है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जब 13 जुलाई को ये परीक्षा परिणाम आया तो उसके बाद अब तक जो है वो एक खरसाना क्षेत्र में बड़ा उल्लास और उत्साह है, क्योंकि राजस्थान की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा ये है और इसमें पहली बार खरसाना क्षेत्र से दो युवा आरएएस जो इस भर्ती में चयनित हुए हैं, तो ये क्षेत्र के लिए बड़े हर्षोल्लास का विषय है और बड़े हमें भी एक, हम अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमने अपने क्षेत्र को एक राजस्थान में एक नई पहचान दिलाई है, तो हम भी बड़ी एक खुशी और आनंद का विषय है। बिल्कुल अनिल जी, वैसे तो आप एक परिचय के मोहताज नहीं हो, लगातार खरसाना के अंदर जो सभी से आपके जो है कि एक अच्छे संबंध कह सकते हैं अपने, फिर भी चैनल के माध्यम से परिचय दीजिए, परिवार का क्या परिवेश रहा है, कौन कौन परिवार में आपके? जी सर, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है 1 से 5 तक की, वो बीकानेर ज़िले के अंदर अर्जनसर जो गाँव है वहाँ से हुई है, प्राइवेट स्कूल से। उसके बाद में कक्षा 5 के बाद में हम खरसाना शिफ्ट हुए और कक्षा 6 से लेकर 10 तक की जो मेरी पढ़ाई है वो नवजीवन उच्च माध्यमिक विद्यालय नई मंडी खरसाना से हुई है। उसके बाद में मैंने 11वीं और 12वीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नई मंडी खरसाना से नॉन मेडिकल में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ किया, और उसके बाद में सौभाग्य ये रहा रमेश जी, मैंने एक साल IIT की प्रिपरेशन की, पर उसमें मेरी अच्छी रैंक नहीं आने के कारण उसके बाद मैंने जो है वो एक बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, और इसी दरमियान 2013 में मेरा लैब असिस्टेंट के रूप में 2013 में सौभाग्य ये रहा, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उसी विद्यालय मेरी पोस्टिंग हुई पहली, और इस दरमियान पोस्टिंग के साथ ही मैंने 2013 से 2016 में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा से BA किया, और इसी के साथ में फिर मैंने MA हिस्ट्री किया महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय से। और मेरे परिवार में मेरे माता पिता दादाजी और स्पेशली हमारे यहाँ पर मामा जी जो हैं वो भी यहाँ रहते हैं, तो उनका भी हमें बड़ा सहयोग मिला। बिल्कुल अनिल जी, शैक्षणिक योग्यताओं के साथ साथ आपने परिवार का परिचय दिया। अनिल जी, कब आपको लगा कि आपको आरएएस बनना चाहिए, कब आपको इस दौरान आपको महसूस हुआ कि मुझे राजस्थान प्रशासनिक सेवा में जाना चाहिए? जी सर, 12th तक मैंने आरएएस का नाम नहीं सुना हुआ था, क्योंकि मैं साइंस स्ट्रीम का विद्यार्थी था और IIT AEEE जैसे साइंस के तमाम एग्ज़ाम मैंने दिए थे। पर जब 2013 में मेरा लैब असिस्टेंट के पद पर चयन हुआ तो मैंने ये सोचा कि मैंने एक मुकाम हासिल कर लिया है और मैं सरकारी जॉब में आके एक सिक्योरिटी मुझे मिल गई है और मुझे अब राजस्थान की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा की तैयारी करनी चाहिए, और इसी दौरान मैंने साइंस से BA स्ट्रीम जो है वो चुना और अपने सब्जेक्ट भी उसी अकॉर्डिंग मैंने किए। बिल्कुल, और स्पेशली जो है वो मैंने इसी दरमियान ये सोच लिया था 2013 में कि मैं एक दिन जो है वो आरएएस बनूँगा।